Respected dignitaries, esteemed member of ICAI and all other viewers, a very good afternoon to one and all present here. I am Muskan Anwar, Treasurer of Sikasta Agra. On behalf of Sikasta Agra branch, I have a great pleasure to welcome you all in this webinar on the topic, Glimpse of Indias and Sedentary Lifestyle, a Silent Killer. First of all, before we proceed further, I would like to wish all our mentors, our influencers, our guide gurus present here a belated Happy Teachers Day. We admire the expertise, patience, and selflessness of our beloved teachers and mentors, who we call gurus, and exhibit our respect for random dots, have no value and pattern until they are connected with mind. Sikasta Agra, on behalf of all the students, thanks our teachers for connecting these dots and creating a masterpiece out of it. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. So, moving ahead with the proceedings, today I am pleased to introduce our today's speaker, CA Yash Dam sir and Ambani Garg ma'am, who will join us soon. Now, I request CA Deepika Mittal ma'am, Chairperson Sikasta Agra branch, to deliver the welcome address. Over to Deepika ma'am. Thank you, Ms. Khan, Treasurer of Sikasta Agra. मैं सीए दीपिका मित्तल आप सबका आज के इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत करती हूँ. जैसे मुस्कान ने बताया कि 5th of September चूँकि टीचर्स डे रहता है, तो हम लोग हमेशा टीचर्स डे के प्रोग्राम्स को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया करते थे. चूँकि COVID-19 के सिनेरियो के कारण हम लोग कोई, चूँकि आपको पता ही है कि अभी मास गैदरिंग अवॉइड कर ही रहे हैं सब लोग एज ए प्रिकॉशनर, तो हम कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए. और इसीलिए फिर हमारा आज का जो प्रोग्राम है, तो सबसे पहले जिन से भी हमने आज तक अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखा है, जो हमारे गुरु हैं, उन सबका सिकासा की तरफ से एक बार वंदन अभिनंदन मैं हाथ जोड़कर करना चाहूँगी. और इसी के साथ जो आज हमारे साथ शरद पालीवाल जी हैं, आगरा ब्रांच के चेयरमैन हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ. हमारे साथ हमारे आज के स्पीकर यश जैन हैं, बहुत एनर्जेटिक स्पीकर हैं, और मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये यूथ आइकन है. तो इसी तरीके से ये और जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्योंकि वो भी सब यूथ हैं, तो उनको किसी भी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल से मोटिवेट करेंगे. वो आज कहाँ तक पहुँचे हैं, किस तरह से पहुँचे हैं, अपने बारे में बताएंगे, क्या क्या उन्होंने मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए. तो उससे जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ, वो उससे बेनिफिटेड होंगे. और हमारे साथ हमारे राकेश सर अग्रवाल सर भी जुड़े हुए हैं. सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और आप हमारे गुरु भी हैं, तो आपको बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे. और हमारे साथ कमेटी में सौरभ नारायण सक्सेना जी हैं, हमारे ट्रेजरर साहब हैं. सौरभ जी को भी बहुत बहुत स्वागत है. सौरभ जी, साक्षी गोयल हैं, VC हैं हमारे यहाँ सिकासा की. मुस्कान हैं, जो आज को कोऑर्डिनेट भी कर रही हैं प्रोग्राम. ललित अग्रवाल हैं, IT एकेडमिक हेड हैं, बहुत मेहनत करते हैं हर प्रोग्राम का. जब ये पोस्टर बनाते हैं, तो वो इतना अच्छा, सुंदर और बढ़िया बनाते हैं कि काबिले तारीफ रहता है. मैं तो मतलब इनकी क्रिएटिविटी देखकर ही मुझे लगता है कि आज के स्टूडेंट्स का मतलब एक मल्टी टैलेंटेड हैं और बहुत. इसी के साथ हमारे साथ कपिश हैं, शिवम हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं. पूरी कमेटी हमारी सिकासा की बहुत मेहनत करती है. जैसे अभी यश जी से भी बात हो रही थी, बता रहे थे कि मैडम काफ़ी चेंजेस आ गए हैं सिकासा में भी. तो बिल्कुल चेंजेस आ गए हैं, स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव हैं. और चूंकि जो आज के दो टॉपिक हैं, उसके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो INDAS हैं, वो लिस्टेड कंपनीज पर ही लगते हैं. टर्नओवर के क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर चूंकि हमारे कोरिकुलम में हैं, हमारे CA के कोरिकुलम में हैं, हमारी स्टडीज़ में इनका अपना एक अहम रोल है. तो आज का जो ये टॉपिक है, जो यश लेंगे, वो केवल और केवल INDAS के बारे में केवल एक टेक्निकल सेशन ना होकर, बल्कि ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरीके से INDAS को समझना है, उनकी किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कुछ आंसर जो आते हैं उन्हें किस तरीके से हमें आंसर करना है, जिससे कि एक एक लाइक जैसे बहुत कभी कभी क्या होता है कि लंबी लंबी चीज़ें होती हैं तो बोरिंग होती हैं, तो हमें कौन से कंटेंट्स, मतलब मेनली हमें उस
चार या छह पेज के इन एक ऐसे में से कौन से कंटेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वहाँ लिखने हैं, अदरवाइज हमें मार्क्स गेन नहीं होंगे। तो आज का जो हमने जो एक घंटे का सेशन जैन साहब का बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि हम ये समझ पाए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन डेज का हम किस तरीके से उसको पढ़ें, उसको समझें और उसको रिप्रेजेंट करें, उसको लिख कर आए एग्जाम में, कैसे हमें पेपर लिखना है, ये मेन हमारा आज का एक फोकस रहेगा। क्योंकि चूंकि टॉपिक इन डेज का ऐसा है कि इसके दिन तो हम दो दिन की वर्कशॉप, तीन दिन की भी करें तो वो भी कम है। इसी के साथ जो आज हमारा एक दूसरा सेशन है वो हमने आज की लाइफस्टाइल को लेकर रखा है। चूंकि हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, हमारी सीटिंग बहुत लंबी लंबी होती हैं, हम लोग ऑफिस भी जाते हैं तो एक ही सीट पर बैठ के सुबह से शाम कर देते हैं, तो ये जो हमारी लाइफस्टाइल है ये किस तरीके से हमें धीरे धीरे हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को ख़राब कर रही है और हमें ऐसा क्या करना चाहिए। चूँकि लाइफस्टाइल भी ऐसी है, रहना भी हमें ऐसे ही पड़ेगा, पर हम ऐसे क्या प्रिकॉशंस लें जिनसे कि हम थोड़ा सा अपनी जो हमारी हेल्थ खराब हो रही है उसको बचा सकें, रोक सकें। उसके लिए आज हमारी दूसरी स्पीकर हैं जो अंबिनी गर्ग हैं, वो चूंकि आपको पता होगा जैसे कि ये पूरा न्यूट्रिशन वीक चल रहा है 1 से 7 तारीख तक, 1 से 7 सितंबर को, तो उसमें उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये 6 तारीख का ये प्रोग्राम आज उसी सप्ताह को मनाने के लिए भी रखा है। वो मैडम हमारी 1 बजे हमारे साथ जुड़ जाएंगी और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी MOC जो हमारी मुस्कान है उनसे कहूंगी कि वो आगे की प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करें। थैंक यू, एक बार सभी का पुनः स्वागत है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। नाउ वी हैव आगरा ब्रांच चेयरमैन सी शरद पालीवाल सर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर टू से हिज वर्ड्स ऑफ विजडम टू ऑल। ओवर टू शरद सर। थैंक यू मुस्कान। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि सिकासा टीम वाकई दीपिका मित्तल जी की लीडरशिप में एक बहुत ही अच्छा लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज जो ये प्रोग्राम है ये निश्चित रूप से मैडम ने जैसा बताया कि बच्चों ने ही जो है ये जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो सजेस्ट किए हैं, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने ये सोचा कि इस तरीके का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से इंडियस अगर देखेंगे लिस्टेड कंपनीज के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे ही लाइफ के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमें लाइफ के बैलेंस के लिए ये भी ज़रूरी है कि न्यूट्रिशनल हम लोग ये सोचें कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए। तो यस जी, तो हमारे आगरा ब्रांच के मेंबर्स के प्रोग्राम में भी इंडियस का डेलीवरेशन दे चुके हैं, तो यस जी आपका पुनः स्वागत है। और राकेश भैया और सौरभ जी भी हमारे साथ हैं, और उसके अलावा ललित जी के बारे में, ललित अग्रवाल जी IT एंड एकेडमिक हेड के बारे में जो अभी दीपिका जी ने बताया, तो ललित जी अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। अब जो मेंबर्स के प्रोग्राम हैं हम चाहेंगे कि उनके लिए भी आप जो है फ्लायर बनाएं, तो ये जिम्मेदारी अब आपकी थोड़ा सा बढ़ेगी। तो इसके लिए दीपिका जी का भी हम थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने ललित जी की इस टैलेंट को बताया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू जी। और जो प्रोग्राम अभी डिटेलिंग मैडम ने करी ही है, तो निश्चित रूप से होता क्या है कि हम लोग लाइफ के कहीं ना कहीं एक और इतना झुक जाते हैं कि जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और आप लोग इस समय देख भी रहे हैं कि जो इस समय कोविड का दौर चल रहा है, तो तमाम तरीके की बहुत बहुत हमें वो दिखाई देते हैं कि बहुत ऊंचाइयों पे हैं, उसके बाद भी डिप्रेशन में आते हैं, तो वो जीने का जो एक हमारा लाइफ के प्रति हमारा एटीट्यूड है वही कहीं ना कहीं चेंज होता है। हम जीवन के सही मकसद को, सही बात को नहीं समझ पाते हैं। तो आज यस जी जो इंडियस पे लेंगे उसको हमें एक एकेडमिक रूप में लेना है, और उसके बाद में अम्बिनी गर्ग जी ज्वाइन करेंगी, तो निश्चित रूप से वो हम सभी के लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू, ओवर टू मुस्कान। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम टू ऑल ऑफ अस। नाउ वी हैव सीए राकेश अग्रवाल सर, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर टू एड्रेस देयर वर्ड्स ऑफ विजडम टू ऑल ऑफ अस। ओवर टू राकेश सर। Thank you, Muskan. First of all, I would congratulate the whole Sikasa team for organizing such wonderful programs with all relevant topics, and definitely with the topic particularly relevant in today's scenario, which is regarding sedentary lifestyle.
As far as first topic is concerned, yes, Jen is doing wonders, and he is our own member. He's my younger brother. So definitely, yes, Jen would be giving you great glimpses on the Ind AS, and definitely it would help you all in your examinations also. So how to write, how to present yourself in your examination, he would be particularly taking up this topic in that manner. As far as the second topic is concerned, that is regarding sedentary lifestyle, killing step or a killing way. So this is true. As far as our profession is concerned, we definitely living the sedentary lifestyle because we are sitting for late hours, and we are not looking as far as our health is concerned. Because as far as being the student, you should also take these steps for your life, because as far as sedentary lifestyle is concerned, it definitely impacts your mind or mental capabilities. You should take morning walk and some yoga and all, and definitely that would be of much help for all of you students. And I would also request all the students to participate in such programs by and large, because these programs definitely are meant for students only, and they are being organized by the SECASA for the benefits of students. So I would also request all the participants to just convey this message to all students, so that maximum students may take advantage of such programs. Because as far as these speakers are concerned, these are worthy, these are all treasures for us. And definitely their insights about the various topics are of utmost help for all of us. So I would just congratulate each and everyone for organizing such a program. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now we have C.A. Saurabh Narayan Saxena, sir, Treasurer, SECASA Agra branch. I would like to request Saurabh, sir, to say few words of wisdom to all. Over to thank you, Muskan. सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा दीपिका मैम को कि आपने एक टॉपिक ऐसा कवर किया जो हम लोग नहीं कोशिश मतलब हम लोग उस टॉपिक को जनरली आप देखेंगे कि लोग उसको इग्नोर करते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, आपका रहना, आपका उठने का समय, सोने का समय, जो हालांकि मैं पालन नहीं करता हूँ पर ये होना चाहिए कि आपकी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो कहते हैं, तो उसमें आप काफी हद तक हम लोग इग्नोर करते हैं, वो चीज अच्छी अच्छा एक टॉपिक है। और रही बात इंडिया की, तो हम लोग जब स्टडी में पढ़ते हैं या अपनी कोचिंगों में पढ़ते हैं तो हम उस इनसाइट से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वहां पर तो हमें रेलिवेंट एग्जाम में क्या आएगा वो पढ़ाया जाता है, पर यहाँ पे आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखते हो जो आप अपने ऑफिस में होंगे। आई थिंक जब यश जी पढ़ाएंगे तो वो आपको वो एस्पेक्ट बताएंगे जो प्रैक्टिकली हम सीए होने के बाद हमें जो प्रैक्टिकल पे चीजें मिलती हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसको पार्टिसिपेट करें। और क्योंकि एक बात और मैं कहना चाहूंगा, 90,000 केसेस आ रहे हैं, तो आप लोग बच्चे लोग जितने भी हैं सब लोग मास्क, मैं देख रहा हूँ आगरा शहर में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, स्पेशली जो यंग हैं, तो अपना मास्क सैनिटाइजर उसका इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें। ओवर टू यू मुस्कान। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू मुस्कान, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा दीपिका मैडम। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बस एक मिनट लूंगा। अभी बिलेटेड टीचर्स डे का भी आपने स्टूडेंट्स ने जो है विश किया, तो हमारे साथ अभी जैसे सौरभ जी ने बोला तो मैं उसी पे बोलना चाहूँगा कि हमारे साथ हमारे सीए राकेश अग्रवाल जी हैं, जो सर के साथ मैं ऑफिस में बैठा था तो एक डिसिप्लिन देखा, तो मैं उसी चीज़ को मैंने कहा आप स्टूडेंट्स को भी मैं शेयर करूँ। सर का डिसिप्लिन ऑफिस में, ऑफिस को लेके, और उसके साथ ही हेल्थ की जो बात हो रही थी, सर दोनों में ही सर जो है एक हमारे लिए एग्जाम्पल है और हमें इंस्पायर्ड होना चाहिए कि सर हेल्थ के लिए भी रेगुलर जो है मॉर्निंग वॉक और योगा वगैरह से वो अपना डेली रूटीन है उनका, और इस चीज़ को कहने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं देख के महसूस कर सकते हैं उनका एनर्जी लेवल, और उनका जो है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ के
जो सीनियर सीए हैं और वो उनसे पढ़े हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं, आप उन्हें देख करके ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सर जो है, उसके अलावा ऑफिस का डिसिप्लिन जो मैंने देखा, सर का ऑफिस घर पे बना हुआ है, लेकिन सर की टाइमिंग जो है वो टाइमिंग, ऑफिस की टाइमिंग का मतलब ऑफिस की टाइमिंग, तो मैं उस दिन देख करके मैंने महसूस किया, क्योंकि हम सोचते थे कि शायद घर पर ऑफिस होने से कुछ डिस्टर्बेंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन सर ने कहा कि अगर जो उनका मतलब बेटा भी छोटा जब था तो वो भी बिना पूछे केबिन में नहीं आ सकता। तो इस चीज़ को हमें लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो ये, और कहा भी जाता है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ और वेल्थ दोनों का अगर मैनेजमेंट करना है तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो भैया आपको जो है मैं भी विश करना चाहूँगा, और बल्कि बिलेटेड क्या, मैं तो हैप्पी टीचर्स डे ही बोलूँगा, क्योंकि आज गुरु दक्षिणा का प्रोग्राम भी आरएसएस ने किया है। तो अगेन थैंक यू भैया, आपसे हम सभी लोग जो है इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। थैंक यू मुस्कान, मैंने जो टाइम बीच में लिया। थैंक यू शरद जी, और बाकी मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूंगा कि देखिए, प्रोफेशन की जो लाइफ है या प्रोफेशन जो है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिसिप्लिन, और एक बार लाइफ में डिसिप्लिन की आदत डाल ली तो आपको मजा आने लगेगा, लोग आपको रिगार्ड करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हो, चाहे आपकी सोसाइटी हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ आवर टुडेज स्पीकर सीए यश। November 2015, and after completing his CA training in April 2016, he was associated with Price Warehouse Coopers PwC from April 2016 to August 2018, wherein he was a part of Capital Markets and Accounting Advisory Services CMAAS team. During his association with PwC, he majorly associated PwC clients in implementation of Indian accounting standards Ind AS and preparation of prospectus for clients applying for listing on stock exchanges IPOs. He further worked as senior manager with ICICI Bank Limited, wherein he was a part of corporate banking group and was involved in credit risk analysis of multinationals and global clients of ICICI. Mr. Jain is certified by ICAI for completing the course of Indian accounting standards and also a part of independent directors data bank maintained by Indian Institute of Corporate Affairs IICA. He has also been secretary of Agra branch of SICASA during 2014-15. Now I would like to request CA Yash Jain sir to start his deliberation. Over to CA Yash Jain sir. Thank you, Muskan. I think I would first like to welcome you all the participants, all the students to this webinar. Thank you, Deepika ma'am, for organizing such a great Zoom webinar today. The second part of the webinar will be covered by another speaker on a very good topic, that is sedentary lifestyle. I would like to thank you, CA Sharad Paliwal sir, CA Rakesh Agarwal sir, CA Saurabh Saxena ji, all the executive members of Agra branch and the executive members of SICASA Agra, and thank you for inviting me for organizing this webinar today. So I think the first topic that I'm going to cover today is on Indian accounting standards. I will make very clear today what expectations you can have from this webinar over the next 40-45 minutes, is that this will not be a technical session. We will just be briefly see the Indian accounting standards overview. What I've done is I basically divided my presentation into three parts. First part is we will just understand a basic overview about the Indian accounting standards, how it came in. We will understand its history. We will understand what it's applicable. We will understand presently what is happening in Indian accounting standards. Just that, we'll not go into any standards and understand the technical points of view. Maybe in the future webinars, if organized, we will definitely look into that.
In the second part, I will be taking up the exam perspective, how to write the examinations, how to write the answers of accounting standards as well as Indian accounting standards in the examination, what all mistakes basically students do and what all things we should avoid so that to gain marks in examination. The third part that I will be taking up is the professional opportunity. So once you students become a chartered accountant, how can you explore a career in Indian accounting standards in itself? How does it open our gateway to an international career, a career domestically? So we'll be looking into all those parts. And this is the expectation you can have over the next 40-45 minutes from this webinar. So I'll just share my screen so that the PPT is visible. I think the PPT is visible now. Yes. Okay, thank you. Okay, so what I've named is this is a synopsis of Indian accounting standards, a very brief overview, and then we'll be moving on. The contents I've already explained, I've divided into three parts. We'll first look at an overview, then we'll move to the history of Ind AS, how it came in, what is the timelines. Third, we'll see on what applicability, what companies it is applicable, and then we'll move on to exam perspective and professional opportunities once you become a chartered accountant. So we'll start off with the overview of the Indian accounting standards. So why do we basically need Indian accounting standard? That is the first question that comes into mind. We were doing pretty well with our accounting standards that we were preparing. All the companies used to prepare their financial statements in on the basis of accounting standards. तो ऐसा क्या जरूरत थी basically कि Indian accounting standards को हमें बीच में लेके आना पड़ा? कुछ कंपनीज के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, कुछ कंपनीज के लिए हमारे अभी भी ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही चल रहे हैं. तो डज दिस क्रिएट एनी काइंड ऑफ एन कंफ्यूजन बिटवीन द कंपनीज, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं, उनके लिए एक क्या एक यहाँ पे एक तरीके से कोई कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं ड्यू टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? दैट वी विल लुक इनटू. See, what has happened is why Ind AS came in is basically because that the world has become a very small economy right now. Due to the globalization, liberalization, in India also, you can see so many foreign companies are getting established in India. They are opening their BPOs, KPOs over here. Their offices are basically being opened over here. So the world has become a very small economy right now. जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और उसको इंडियन कंपनी के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, वो अभी शायद ना पढ़ पाए क्योंकि उसके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो पुराने वाले थे. बट इनकेस अगर हमें अब जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिस्टेड एंटिटीज और नेटवर्क के क्राइटेरिया जिस कंपनी मीट कर रही है उन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई बैठा है और वो पढ़ना चाहता है यूजर्स, तो देन इन दैट केस वो आराम से पढ़ सकता है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जो यूज होता है फाइनेंशियल जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं वो सेम है टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्यों? क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली बेस्ड अपॉन IFRS. IFRS क्या होता है? दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, विच इज द बेसिस ऑफ ऑल. So many countries are adopting or converging into IFRS, and globally अगर हम देखेंगे तो जो financial statements हमारे prepare होते हैं वो इसी तरीके से prepare होते हैं जो कि हमारे IFRS के ऊपर based होंगे. तो अगर कोई इंडिया में बैठा है और उसको अगर स्विट्जरलैंड के किसी कंपनी के इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं एंड इफ ही हैज द नॉलेज ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देन इन दैट केस डेफिनेटली वो वहाँ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ सकता है. अगर इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें कि ये कैसे Ind AS इंडिया में आया, किसने स्टार्ट किया, तो इट ऑल बेसिकली स्टार्टेड विद द G20 समिट जो 2009 में हुआ था. दैट वाज 2009 में हमारे जब के प्राइम मिनिस्टर जो थे ऑनरेबल डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक कमिटमेंट दिया था G20 समिट जहाँ पे हमारी ग्लोबल 20 की बड़ी कंट्रीज आती हैं, वहाँ पे इंडिया के लिए एक कमिटमेंट लिया गया था कि इंडिया जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि IFRS के ऊपर बेस्ड होंगे फॉलो करेगा. तो प्रेजेंटली अगर हम देखें तो जो लिस्टेड एंटिटीज हैं इंडिया में करीबन 7000 तक लिस्टेड एंटिटीज हैं, और ऐसी लिस्टेड एंटिटीज जो कि और ऐसी एंटिटीज जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो उन एंटिटीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बनाए जा रहे हैं. नेक्स्ट अगर हम लोग कुछ हाईलाइट्स के बारे में बात करें और Ind AS हमें क्यों चाहिए, एक रीजन यही है कि भाई देयर इज अ ग्लोबल इकोनॉमी हमारी हो चुकी है, एक हमारा स्मॉल विलेज टाइप हो चुका है पूरा वर्ल्ड. अभी हम यहाँ जूम में बैठे हैं, अगर कोई यूएसए से जूम मीटिंग्स ज्वाइन कर ले तो नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है, तो आई विल जस्ट कंटिन्यू.
मैडम आपका स्वागत है. अभी हमारा एक पुराना जो एक फर्स्ट टेक्निकल सेशन है वो चल रहा है. 20-25 मिनट्स लगेंगे, मतलब हाफ एन आवर लगेगा. तो आप कंटिन्यू हमारे साथ रहना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज आप अभी आधा घंटा हम लोग को लगेगा सेशन में. हाँ जी, ओके, थैंक यू. यश जी आप प्लीज कंटिन्यू करिए. जी जी जी. सो आई थिंक आवर सेकंड स्पीकर अंबिका गर्ग हैज जॉइंड, सो आई विल लाइक टू वेलकम यू मैम. थैंक यू. So I'll just continue with where I left. So we were talking about the key highlights of Ind AS and why Ind AS is required. So one thing I want to make it very clear that Ind AS is not an adoption, but it is a conversion. What does that mean? It is not that ki humne IFRS ke standards ko uthaya aur bola ki theek hai ye Ind AS hai. Aisa nahi kiya. Indian economy ke according hum logon ne jo changes hum log kar sakte the, wo changes humne kare through carvings and carve-outs, and through that hum logon ne इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे कन्वर्ज किया है और नॉट अडॉप्ट. सो इट्स नॉट एन अडॉप्शन ऑफ IFRS. सेकंड पॉइंट इज बेसिकली दैट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट सम ऑफ द IFRS स्टैंडर्ड्स लाइक IFRS 9, विच इज इंडियाज 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टैंडर्ड इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट दो स्टैंडर्ड्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट Ind AS का ट्रांजिशन, ये एक सिर्फ एक ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जहाँ पे हम लोग सिर्फ एक जनरल एंट्रीज पास करते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ठीक है द फाइनेंशियल्स आर फ्रॉम हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम AS टू Ind AS. बट इट हैज अ परवेसिव इफेक्ट. इफ यू सी व्हेन यू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू से लेकर हमारे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के सारे जो फिगर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. दैट इज हाउ मच द इम्पैक्ट Ind AS हैज ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Now, why did we require? One thing is definitely because India ko chhodi agar global company ka hum dekhe to it has become a very small village. Iske andar agar hum log dekhe, there is number one improved investor confidence hota hai. If the investor is able to read the financial statements and he is able to understand the financial statements, then he is much more comfortable investing into the companies. So in that case, definitely investors का confidence बढ़ता है. Secondly, अगर हमें listing करानी है overseas or stock exchanges पे, so for example, ICICI Bank is listed on the New York Stock Exchange. वहाँ पे अगर हमें listed करानी होती है तो वहाँ के जो stock exchanges होते हैं, जैसे हमारा SEBI है, वहाँ पे SEC है, which is Securities Commission Exchange, तो वहाँ के जो exchanges हैं, they will be much more comfortable listing an entity which has prepared the financial statements under IFRS or Ind AS because the confidence is again increased. And definitely there is a chance of strategic improvements to be made in the financial statements because as I told, the PAT margins and revenues do change with the implementation of Indian accounting standards. So there was a brief overview, key highlights and why do we read. That is what I told about in this slide. Moving on, we'll be taking about history of Ind AS, kaise aaya, kaise gaya. I already told G20 summit mein humare देन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने Ind AS को लेकर आने की बात कही थी, वहाँ कमिटमेंट किया था. बट अगर देखें तो उससे दो साल पहले ही ICAI ने एक कंसेप्ट पेपर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था बनाना और उन्होंने यहाँ पे एक कंसेप्ट पेपर को कन्वर्ज करना चालू किया था टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो ICAI ऑलरेडी हैज स्टार्टेड दीज प्लान्स इन अक्टूबर 2017. फोर ईयर्स डाउन द लाइन MCA ने पब्लिश किए Ind AS. Ind AS वर पब्लिश्ड, जो टेक्स्ट वॉज पब्लिश्ड, बट देयर वाज नो स्पेसिफिक गाइडलाइन कि कब ये इम्प्लीमेंट होगा. तो 2011 तक सिर्फ Ind AS आए थे बट इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पता था हमें. 2014 अप्रैल, थ्री ईयर्स डाउन द लाइन, ICAI ने एक रिवाइज रोड मैप इशू किया था कि किस किस पे एप्लीकेबिलिटी होगी, बट MCA वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल विद दैट रोड मैप. वो चाहते थे कि मोर कंपनीज Ind AS में एप्लीकेबल हो, तो वो हमारा जो रोड मैप था वो रिवाइज करा गया एक बार और जुलाई 2014 में. आफ्टर अबाउट थ्री मंथ्स हमने देखा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया कि Ind AS जो है वो मैंडेटरी होगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 16-17 से. और लेटर 2015 जनवरी में MCA ने रिलीज किया एक रिवाइज रोड मैप जहाँ पे उन्होंने बताया कि किसके लिए Ind AS एप्लीकेबल होगा. एंड फेब्रवरी एक महीने बाद उन्होंने फाइनली एक नोटिफिकेशन निकाली थी जहाँ पे उन्होंने बताया कि क्या क्राइटेरियाज होंगे Ind AS की एप्लीकेबिलिटी के लिए और किस कंपनीज में एप्लीकेबल होगा और किस टाइमलाइंस के थ्रू एप्लीकेबल होगा. तो ये हमारा 2015 फेब्रवरी तक था. नाउ जनवरी 2016 नेक्स्ट ईयर जब हम लोग आए तो MCA ने अब इशू किए थे नोटिफिकेशन
फॉर कमर्शियल बैंक्स एनबीएफसीज इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि किस तरीके से इट विल बी एप्लीकेबल टू दीज थ्री कंपनीज अपार्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट विच हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड. इन द नेक्स्ट मंथ आरबीआई ने डायरेक्शन इशू करे. आरबीआई केम इन टू द पिक्चर. बैंक्स के लिए एप्लीकेबिलिटी के लिए आरबीआई ने अपने डायरेक्शंस दिए कि किस तरीके से बैंक्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. मार्च 2016 में नेक्स्ट मंथ में एटा जो कि हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने बताया कि हम लोगों को डायरेक्शंस किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज प्रिपेयर करेगी इंडेस को. एंड एमसीए ने उसी महीने रिलीज किए दो नए स्टैंडर्ड जो कि अब हट चुके हैं इंडेस 11 एंड इंडेस 18 जो कि रेवेन्यू के स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे बट डेफिनेटली अब इंडेस 115 उसको रिप्लेस कर चुका है. एंड डेफिनेटली एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 115 स्टैंडर्ड बिकॉज इट्स कवर्स द रेवेन्यू पार्ट ऑफ इट. मूविंग ऑन नेक्स्ट ईयर जून 2017 में इर्डा ने एक यहाँ पे डेफरल लगाया था कि इंश्योरेंस कंपनीज दो साल तक के लिए इंडेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी. वो इस रीजन के तहत नहीं करेगी क्योंकि IFRS 17 जो है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है. इवन टिल डेट अगर हम लोग बात करें तो IFRS 17 अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है. तो मार्च 2019 में नेक्स्ट ईयर हमें देखा कि आरबीआई ने डेफर किया है इंडेस इम्प्लीमेंटेशन फॉर बैंक्स अनटिल फर्दर नोटिस जो कि अभी तक नहीं आया है. तो बैंक्स के ऊपर कब एप्लीकेबिलिटी होगी इसके ऊपर अभी आरबीआई हैज़ टू गिव अ क्लैरिटी. देयर इज नो टाइमलाइन दैट हैज बीन गिवन. सिमिलर नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में इर्डा ने भी दिया क्योंकि IFRS 17 सिंस अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है. तो जब तक IFRS 17 फाइनलाइज नहीं होता हम इंडेस 117 फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनीज इसको एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगी. सो दिस वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट इंडेस कैसे आया, कैसे हमने G20 समिट से लेके यहाँ तक का अभी तक का सफर हमने देखा है. तो ये हमारी एक ब्रीफ हिस्ट्री थी इंडेस की टाइमलाइन के ऊपर. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें दैट इज अ रोड मैप फॉर इंडेस इम्प्लीमेंटेशन जो MCA ने नोटिफाई करा था फरवरी 2015 में. तो सबसे पहले हम लोग रोड मैप देखेंगे कॉर्पोरेट के लिए विच हैज ऑलरेडी बीन गॉन बट डेफिनेटली देयर इज अ कैच इन इट विच आई विल टेल यू. फेज वन हमारा, फेज टू हमारा, ये दो तरीके के फेजेस इसके अंदर आए थे. फेज वन वॉज बेसिकली फ्रॉम 1st of April 2016 विच मीन्स कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो 31st March 2017 के फर्स्ट टाइम बनेंगे, जिसके कंपेरेटिव होंगे 31st March 2016 और जिसकी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी 1st April 2015 की, क्योंकि बैलेंस शीट तीन बनती है जब हम फर्स्ट टाइम इंडेस को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इस ये किस किस कंपनीज के लिए था. दिस इज ऑल एप्लीकेबल टू दी कंपनीज हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 crores. 500 करोड़ से ज़्यादा की अगर कंपनीज हैं तो उन पे ही ये फर्स्ट फेज एप्लीकेबल था और उन्होंने सबसे पहले इंडेस को एप्लीकेबल किया था. एंड इट इज़ टू बी नोटेड दैट द होल्डिंग कंपनीज, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड द एसोसिएट्स ऑफ दीज कंपनीज ऑल्सो हैव टू अप्लाई द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर नेटवर्थ इज. तो अगर किसी कंपनी की होल्डिंग पे एप्लीकेबल है तो उसकी सब्सिडरी को इंडेस एप्लीकेबल ऑटोमेटिक करना पड़ेगा. इसमें कोई क्राइटेरिया चेक करने की जरूरत नहीं होगी एंड इवन फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन उनको वैसे भी करना पड़ेगा बट दे हैव टू एनी वेज सिंगल हैंडेडली उनको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा इंडेस के अंदर. Phase 2 was applicable from the 1st of April 2017. That means 31st of March 2018 was the date on which the Indias was first time adopted. Comparative accordingly 31st March 17 and opening balance sheet 1st April 16 ki rahegi iske andar. This is applicable to all the listed companies irrespective of what their net worth is. 7,000 listed companies in India mein. Second phase ke andar sari hi listed companies ne isko applicable already kar liya hai. अनलिस्टेड कंपनीज हमारी जो थी जिन्हों का टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा था एंड 500 करोड़ से कम था उन कंपनीज को इसको एप्लीकेबल करना था सेकेंड फेज के अंदर. ऑब्वियसली अगर फर्स्ट 500 करोड़ से ज़्यादा है तो वो ऑलरेडी फर्स्ट फेज में कवर हो गई होगी. तो सेकेंड फेज के अंदर लिस्टेड सारी कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेटवर्क एंड नेटवर्थ और कंपनीज हैविंग नेटवर्क ग्रेटर देन 250 crores. सो similarly holding subsidiaries, joint ventures and associates of all these companies have to apply Indian accounting standards. That was the phases. Now talking about current scenario, any company which touches 250 crores net worth as and when, whenever they are basically touching 250 crores net worth, they have to apply Indian accounting standards.
right now also. So we have to check the net worth as per the previous audited financial statements. For example, 2021 के लिए अगर किसी कंपनी को इंडेक्स लगाना है तो हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2020 के चेक करेंगे. नेटवर्थ अगर 250 करोड़ या 250 करोड़ से ज्यादा है देन उसको applicable होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड 31st मार्च 2021 की उसकी फाइनेंशियल पहली बार बनेगी विद रीस्टेटमेंट ऑफ द कंपेरेटिव्स. सो दैट इज हाउ इट वाज एप्लीकेबल टू द कॉर्पोरेट्स. नाउ कमिंग टू एनबीएफसीज, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द करेंट सिनेरियो राइट नाउ. द फर्स्ट फेज वाज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1st ऑफ अप्रैल 2018 तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए फर्स्ट फेज था जहां पे 31st मार्च 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थे वो हमारे बनाए गए थे. क्राइटेरिया बिल्कुल सेम था. एनबीएफसी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है उन एनबीएफसी के लिए ये एप्लीकेबल है और इसकी होल्डिंग सब्सिडीज जेवीज एंड एसोसिएट्स ऑब्वियसली इसके अंदर एप्लीकेबल होंगी. इसका फेज टू हमारा जो था दैट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1st of April 2019 विच इज करेंटली हैपनिंग. FY 2020 बेसिकली 31st March 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे एनबीएफसी जो कि लिस्टेड हैं वो अभी बना रहे होंगे उनके जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उनके ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और जिन कंपनीज के नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा या इक्वल टू 250 करोड़ है और 500 से कम है तो उन पे एप्लीकेबल रहेगा और इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको इन डेज में ही प्रेजेंट करने हैं. नाउ होल्डिंग सब्सिडीज जेवीज नॉट टू मेंशन अगेन have to apply irrespective of the network. So this is about the roadmap of Ind AS implementation, how Ind AS has come into. This is important to understand because moving on, when I move on to the second and the third part of my presentation, it will be important to note ki kis pe applicable hai, kis pe nahi hai, then only you can understand it. So that's why I covered it over here. Now, the first part of the presentation is done. The second present part is the exam perspective, which is very important for the students and the most important thing right now. So now exam perspective, agar hum log dekhe, toh, what are the types of questions that basically comes in examination? So isko maine basically teen part mein divide kiya hai. First is the practical questions. I'm talking accounting standards and Indian accounting standards ke jo question aate hain. So pehla practical questions honge. Practical questions hamare kis tarike se ho sakte hain. Now for example earning per shares ke standard pe agar hamara rehta hai which is Ind AS 33 and AS 20. So agar us pe agar hamara rehta hai to wahan pe क्वेश्चन में आ सकता है कि जहाँ पे हमें प्रॉफिट दे रखा हो और अर्निंग पर शेयर्स हमें अगर दे रखे हैं हमें कैलकुलेट करने होंगे तो उस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिकल बन सकते हैं एंड डेफिनेटली इतने आसान क्वेश्चंस नहीं होंगे. सो देर हैज़ टू बी लॉट ऑफ प्रैक्टिस दैट हैज़ बीन पुट इनटू बट वेन यू राइट द आंसर्स सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड वॉट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो यू हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड and then you solve the question with the relevant provision of that standard. So iske andar kya hai, kai baar aisa hota hai ki we start just solving the question without mentioning what standard it refers to. It is very important to mention the standard name and also the number. Standard ka naam agar exactly nahi aata hai then what I would suggest is never just write it in the inverted commas. Agar standard ka naam agar aap inverted commas mein rakhte hain to you have to be very sure that standard ka naam as it is hai as issued by the MCA. Agar nahi aata hai by any chance then let's say events occurring after the reporting period you don't know what is the exact name of that standard. So you can just skip that two inverted commas and write the as per the standard Ind AS 10 events occurring after the reporting period. That way you can definitely do it in your examination. That is pretty helpful. So that is one mistake that generally happens. Even if you don't know the standard name exactly, do not write it in the inverted commas. That is one point to note. Now moving on to the practical questions, there is not much to write in theory, but moving on to the theoretical questions, what type of questions will be asked. Now for example, a very simple example is what is related party. So under the you have to mention once again the name of the standard and also the number of the standard. So wherein you will again be keeping in mind that do not mention until and unless you know exact name of the standard in inverted commas. That is one thing to be, you have to give a reference to the provision of that relevant standard. Many a times what happens is student sees that okay ye standard to mujhe bahut acche se aata hai, let's say Ind AS 40 hai, investment property hai, okay I know this standard very well,
वहां पे वो सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया इज 40 इज एप्लीकेबल टू व्हाट, इट इज एप्लीकेबल टू द लैंड एंड बिल्डिंग ओनली, बट यू नो एवरीथिंग अबाउट द इंडिया इज 40. सो व्हाट यू स्टार्ट डूइंग इज, ओके दिस इज एज पर इंडिया इज 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इट सेज दिस, दिस इज द स्कोप एंड ऑल दोस थिंग्स. अवॉइड ऑल दोस थिंग्स. ऑल दोस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू फेच यू एनी मार्क्स. Stick to your point. Stick to the point that has been asked in the question. Be very precise. It should not be like ki you are just writing pages and pages because you know the standard very well. And even sometimes we don't know the standard at all, so we start writing pages and pages. I don't know how, but definitely that happens. So usko avoid karna chahiye because it gives a negative kind of an image over the checker. And definitely, jab usko apna relevant point dhoondne ke liye mehnat karni padegi, so then there is obviously a problem. The best way is you write the answer very precisely and only refer to that point of provision which has been asked in the question. So theoretical questions ka ek hi logic hai that you stick to what has been asked. Do not go here and there and answer everything all over. That is how the theoretical questions, that is simple, which comes into. Moving on to the third part, that is the case studies, which is I think the most kind of seen question in the examination. चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, इंडेज हो, सब पे मोस्टली केस स्टडी के ही क्वेश्चन आते हैं. हाउ टू आंसर बेसिकली द केस स्टडी, इफ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग. वॉट आई वुड सजेस्ट इज दैट यू ब्रेक योर आंसर इन टू थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली अ रेलिवेंट टेक्निकल कंटेक्स्ट. यू हैव टू राइट द रेलिवेंट टेक्निकल कंटेक्स्ट वेयर इन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड, द नंबर ऑफ दैट स्टैंडर्ड, द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ दैट स्टैंडर्ड. नाउ फॉर एग्जाम्पल, it has been asked in the question that there is a case study given that A basically holds some kind of a building. He is using that building for the purpose of his business. अपने business में use कर रहा है वो. But later on financial years में जाके उसने अपनी ये building को जो है business से निकाल के rental property के लिए use करना चालू किया. So referring to the relevant standards on Ind AS, kindly let us know whether how the classification should be done in the financial statements. This is a very simple question. Definitely don't expect such questions in the examination. This will not come. But for the simplicity purpose, I'm telling you that. So, अब जब हमारे पास एक question है कि उसने building को अपने business से निकाल के अपने rental के लिए use किया है, तो क्या change होगा? क्या standard refer करता है? So, first part you of the answer, you should write the relevant context. What is the relevant context? You have to write the name of the standard, Ind AS 40. You have to write Ind AS 40, that is investment property, the number Ind AS 40 that is there. And then you write the relevant provision that, okay, this as per the Ind AS 40, investment property, the land and building which are held for the purpose of capital appreciation or any kind of rental income are to be classified as investment property and to be shown separately on the face of the financial statements. That is how you have to say your relevant technical context part. The first paragraph is done. Do not go deep into this, that exam, employee holding, all those things. Don't go into all those things. Write precisely. Second part, you have to analyze what is given in the case study. So you have to write it as per the given case. You have to start your answer in the present case or as per the given case. The A was holding this building for the purpose of his business. Now he is holding for the purpose, or he is basically getting rental appreciation or rental income or capital appreciation. And this is you have to write basically the facts of the case study. Very important to understand that do not add things or just delete things from the case study that has been given in the question. Apne aap kuch add up mat karna. Do not write all those things ki usme aisa tha, waisa tha. Don't write. Be very precise and stick to what has been asked in the question. So second part mein you have to give an explanation about the case study or the question itself, that you understand what the question is. That is how you have to answer the second part. The most important part is the third part, that is the conclusion. The conclusion part basically gives you referring to the above two paragraphs or referring to the above discussion. We conclude that the property which is being held for the purpose of rental income should be classified as an investment property and should be shown on the face of the balance sheet as a separate line item. That's it. You have to answer a very precise and a very conclusion in a manner which is very direct. The examiner understands, yes, you know the answer. Everything is correct, 5 out of 5. So that is how you have to answer examination or case study based kind of questions. Many a times or the checkers, ICI checkers have basically given their observations that students know the answer. The technical part, they are very much clear, but the problem is the presentation. They are not very clear how to present the answers in the examination.
there was a movie in 1954, There Is No Business Like Show Business, which basically means how you present is what you get. You might be knowing the technical part of it, you might be very clear with investment property, other standards, but when you are not able to present it to the checker, you're not going to get any marks, you're not fetching any marks. So you have to present it in a manner that you clearly tell, I'm very clear on that question, I know the answer and this is the answer, kindly give me full marks. That is how you should basically prepare for the examination, and this is how the case study based questions should be answered in the exam. Now, moving on, we have some important points whenever we are answering the questions about standards we need to keep in mind. The first point is, there are certain times we get questions wherein we know that there is two alternatives which are there to this question. Iske to do answer ho sakte hain, hame kaun sa present karna. It is very much advisable to always present your answer in the both alternative manner. Alternative one, alternative two, and specifically mention, if this happens, this will be the answer. If this happens, this will be the answer. This is how you present it. Always advisable to present it in the both manner. So that is how you should go about when you think, okay, there are two alternative assumptions. Definitely not in case where you are confused between what is right, what is wrong. No. When you are totally sure that there are two alternatives to this, mention both the alternatives. That is how it is advisable. Second point is basically, it is not mandatory to mention the paragraph numbers. It is very common question among the students that should I write the paragraph number? It is totally impossible to memorize all the paragraph numbers in the standard. It's not that easy to basically understand all those paragraphs. You know it very well, very good. But if you don't know it, don't mention, not expected out of you. No marks will be cut basically because of not mentioning the paragraph numbers of the standards. So what I would suggest is, there are some questions or some basically concepts in accounting standards which are very commonly asked. If you remember those paragraph numbers, specifically only those paragraph numbers, just mark out five paragraphs. Okay, these paragraphs are kind of repeated. So wo paragraph aap yaad kar do, aur agar uspe question aa jata, well and good, you answer, you mention those paragraph numbers and additional point, definitely an additional point, but definitely not taking you to the negative marking also. So you should basically avoid kind of mandatory memorizing the paragraph number because it is not possible. Secondly, third thing is the underline the important part of the answer so that the examiner or the checker basically directly goes to your answer. It is always advisable. If he finds the most important keywords in your answer, definitely he's going to have it in a proper manner and give you full marks for that. And he will also be happy that he had to check less. So definitely that is one important thing that you can do in your answers. And the last point which I have been focusing on should be precise. Do not fill pages. You're not going to fetch any marks if you're filling pages. Be always precise up to what you know, what has been asked in the question. If you know too much about the standard, don't mention all those things. Be precise. Be stick to your questions and just to whatever has been answered asked in the question. So that is how basically you need to mention. And I think that is how I will be covering this exam perspective with the limited time I have. I will just be covering only this much. And moving on to my third portion. That is the professional opportunities. Now, what I'm going to cover over here is ki Ind AS ke liye hum log kya ek Ind AS mein hi ek career bana sakte hain, whether it is possible to have a career in Ind AS itself. Previously, agar koi bolta tha ki agar hamare accounting standards pe you want to make a career, you are a chartered accountant, you want to make a career in accounting standards, not possible. You will make a career in accounting standards. But Ind AS, does this open an opportunity for you once you become a chartered accountant? So definitely for students, I would like to tell, many of the companies, local giants, are eyeing India as a global BPOs and the KPO center. BPOs is business process outsourcing and KPOs are knowledge process outsourcing. So definitely, bahut sare hamare bade bade jo companies hain, Fortune 500 companies, they are eyeing India to set up their BPOs and KPOs. They basically require professionals and finance executives who are basically very much available in India and have a very high technical skills. Definitely people of ICAI, our chartered accountant members, have very high technicalities. They are very much equipped with Ind AS, all the new things that are coming up. So definitely many of the giants are eyeing India.
how can you make a career out of that? A career with BPOs and KPOs in India. For example, if I tell you the big fours, the big four, EY, PwC, every big four is having a global delivery centers in India. They have their offices in India where they are hiring people to do the work of US, Australia, any other country, European countries as well. So we are opening up our basically horizons to the other nations as well. Sitting in India, we provide delivery services to these countries. And this is mostly related with the Indian accounting standards and the IFRS, that is International Financial Account Reporting Standards. So if you know Ind AS, and if you are a very good in Ind AS and have practical knowledge, then definitely you can make a career, not only domestically, but internationally as well. So if you see, I was talking about ki Australia mein agar koi hamara person beta hua hai, if he wants some executive, finance executive who understands IFRS, if you have the knowledge, then you definitely will get hired in Australia, maybe in Europe. So to make a career internationally, IFRS, Ind AS is the best way to get in. Definitely, I would say that this is one important thing or new opportunity that has been opened for chartered accountants. And if you see the opportunities that are available, so as I've talked, there is a domestic career opportunity with the multinationals through their BPOs, KPOs, the big fours, everyone is opening their BPOs over in India. International career opportunities with respect to companies hiring financial executives. This is not only with respect to the preparation of financial statement. Also, many of the companies require financial statement analysis people, credit analysis people. So credit analysis jabhi hoga when you understand the financial statements. When I was hired in ICICI Bank, the only reason why I was hired was my understanding of Ind AS, because I was a part of the global corporate banking team. जब मैं वहाँ ग्लोबल कॉर्पोरेट्स को देखता था, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे पास आते थे वो जनरली ग्लोबल क्लाइंट्स या मल्टीनेशनल्स होते थे, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए होते थे जनरली मे बी इन द यूएस गैप और जर्मनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर बेस्ड ऑन IFRS और द स्विट्जरलैंड फाइनेंशियल सिस्टम्स और ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सिस्टम्स. सो अकॉर्डिंगली व्हाट यूज टू हैपन इज दैट आई यूज टू डू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, credit analysis of these, and you can only do it once you understand the financial statements, how they are prepared. So the only reason I was hired in ICICI Bank was because of my understanding of Ind AS. So that is one another career opportunity which can open up for the students once they become a chartered accountant. So, and this will definitely lead you to an international career who basically have an aim to basically maybe go to the other nations and do their jobs or their businesses, whatever. But definitely this is one area which can lead you to other nations and international career. There is also much opportunity in the US GAAP domain, because US GAAP is totally not similar to IFRS, that I won't say, but definitely not that different as well. Small learning of some courses will basically be required to understand US GAAP as well. And once you are done with it, we are open to the US GAAP opportunities as well. So US companies will directly be hiring you. So that is one another opportunity which comes up with a bit of a push towards the US GAAP structure as well. When we talk about our Indian scenario, then definitely there is consultancy practices which you can open up. To be very frank, in tier 2 cities of India, Ind AS might not come in, because ICI is definitely coming up with another set of accounting standards. It's in the very initial stages, jo ki hamare MSMEs ke liye basically aane wale hain, kyunki wo thode simplified standards honge. Ind AS is not something which every company can adopt. It's not that simple. Technicalities bahut zyada hain. To India ke perspective, agar tier 2 cities ya tier 3 cities ki agar main baat karu, to definitely wahan Ind AS ki itni applicability nahi hogi, but definitely metro cities ke andar, when you are serving the clients, maybe internationally or domestic clients, and we definitely have a very big client base for Ind AS as well. So wahan pe apni consultancy practices de sakte hain. Don't think that Ind AS is a one-time kind of a thing. It's not like ki ek bar adopt kar diya Ind AS and it's done. No. It sometimes what might happen is ek company pe Ind AS humne applicable karaya is saal. बहुत सारे स्टैंडर्ड्स उस पर एप्लीकेबल नहीं हुए, बिकॉज सिनेरियोस नहीं थे एप्लीकेबिलिटी के. बट नेक्स्ट ईयर द सेम सिचुएशंस माइट बी डिफिकल्ट. फॉर माय एग्जांपल एट वेल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक साल में ही इज यूजिंग फॉर द बिजनेस, द वेरी नेक्स्ट ईयर ही इज यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ रेंटल इनकम. जब वो रेंटल इनकम बनती है तो वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है. तो इट इज नॉट लाइक वंस यू अडॉप्ट इंड AS इट्स डन एंड देयर इज नो अपॉर्चुनिटी इन इंड AS. डेफिनेटली
Indies is a kind of a rotation thing which comes in every year. The standards are getting amended. We have seen a recent amendment which has come in 24th of July 2020. Quick amendments aaye hain Indies mein. So definitely Indies is going to come in. And the last thing which I will say is the professionals in trainings and academics. So definitely, I was just checking out ki students ka kitna CA final ke andar, financial reporting ke paper ke andar, kitna iska coverage hai. So I was shocked to see ki 90% of the coverage of the papers is Ind AS. So Ind AS is definitely going to hold a very important part. Only Ind AS aapko ek career opportunity bhi aage definitely de sakta hai as a professional. Previously not possible, but definitely to this scenario, yes, it is a, in itself a professional opportunity that will be there. So I think my presentation has covered up the professional opportunities and we have moved on to the third part as well. And I'm pretty much on time, I think. So we will take up some questions because. The chat box mein kuch questions hain. Haan ji. Usse le lein. Yes, so the first question that I see is, so what are the most relevant standards from the exam point of view? So see, if I tell you the most relevant standards are the new standards that have come in. Standard like 115, Ind AS 115, revenue from contracts with customers. Standard like 116, which is leases. New standards, new concepts of standards like Ind AS 41, which is agriculture, Ind AS 40. And not to forget, obviously, Ind AS 109, 107 and 32, which is all related to financial instruments. Financial instruments is no doubt the most important and the highly prioritized kind of in standard. Ind AS 115, 116 is also the most important standards that you need to first focus upon from the exam perspective. Definitely, you can expect a lot of questions coming from these standards. So I think that was one question. Is there any other questions? Another question is from Kriti Gar. How GFRS is different from FR? GFRS, I didn't understand the question. I can't see the question. I'll just see the chat box. Yeah. GFRS, I think GFRS you have confused with IFRS. It's IFRS. It's International Financial Reporting Standards and is different from FR. I didn't understand the question. Krati, can you give an explanation with respect to this? Are you referring to FR to financial reporting or what? See, I'll explain you. IFRS is International Financial Reporting Standards. It is basically given by IASB, which is International Accounting Standard Board. IASB ek non-profit making organization hai. They just issue the standards. Don't make it compulsory ki kisi country ko adopt karna hai ya waisa. But generally, countries adopt karti hain IFRS ko aur mandatory banati hain. IFRS IASB ke through aaya hua hai, jo ki isko mandatory nahi karta hai to any country or anyone. Countries self usko karti hain. And Ind AS is based upon IFRS, converged into. So that is how Ind AS is related to IFRS. I hope I have answered your question if that was your question. In case if that was not your question, kindly provide the explanation with respect to your question. Baki ek do question answers hain, wo jo aapne jo hand raise kiye hue the, Gauri Verma ka, aapne wo le hi liya I think. What are the most relevant standard from exams point of view? Correct. So, वो तो आपने टेक अप कर ही लिया. Yes. इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो अभी मुझे चैट बॉक्स में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. हाँ जी. तो I think हम maybe what I can do ma'am is मैं अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी शेयर कर देता हूँ. Yes. इनकेस अगर स्टूडेंट्स को अगर कोई रहता है क्वेश्चन, they can definitely email me and I will definitely try to answer all your questions. So that we do not, I do not take up the time of Ma'am Ambika. I think it's already 1:05. So I'll just write down my email ID in the chat box so it's available to everyone. Okay, it's fine. Thank you so much, sir, for sharing your valuable knowledge with all of us and enlightening us in a very lucrative manner.